नमस्कार, रात के 9 बज चुके हैं। मैं ब्रजेश राजपूत हाजिर हूं दिन भर की बड़ी खबरें लेकर आपके अपने खास कार्यक्रम द एडिटर शो में, जिसमें आप और हम करेंगे विस्तार से चर्चा देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों की। शो की शुरुआत चुनाव में ताले की चाबी ढूंढने की, किस ताले की चाबी की बात पीएम मोदी कर रहे हैं, सबसे पहले उस पर ही बात करेंगे। ये भी बताएंगे कि उस ताले के अंदर क्या वो कीमती चीज है जो इस चुनाव में मुद्दा बन गई है। दूसरी खबर पांचवें चरण के चुनाव से जुड़ी है। पांचवें चरण के चुनाव में क्या कुछ खास रहा और चुनाव में आम और खास व्यक्ति की तस्वीरें भी आपके साथ शेयर करेंगे। तीसरी खबर है विदेशी मामलों से जुड़ी। ईरान के राष्ट्रपति की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मौत होने के बाद किन देशों में बढ़ सकता है विवाद, आपको विस्तार से बताएंगे। चौथी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां कांग्रेस के भीतर मंथन शुरू हो गया है। क्यों ये मंथन शुरू हुआ और उसके सियासी मायने क्या हैं, बताएंगे आपको। पांचवी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां की प्रभारी रही कुमारी शैलजा का नाम फिर एक बार विवादों में आ गया है। क्या है वो विवाद, आपके साथ हम साझा करेंगे। देश में आज हुए पांचवें चरण के मतदान के बाद लोकतंत्र का ये महापर्व अब अपने अंतिम दौर में प्रवेश कर रहा है। वोटिंग के आंकड़ों पर सवार होकर सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने दावों के रथ पर सवार हो गए हैं, और ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है। मोदी आज उड़ीसा में थे, जहां लोकसभा के साथ विधानसभा का चुनाव भी हो रहा है। मोदी ने पुरी में रोड शो किया और बाद में झारखंड जाकर इंडिया गठबंधन के नेताओं को जमकर आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इन नेताओं को तो विकास का काखा गा भी नहीं मालूम। भगवान जगन्नाथ पुरी दर पर आए पीएम मोदी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। हजारों लोग पीएम का पुरी में इस अंदाज में स्वागत कर रहे थे। पीएम भी लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे थे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी प्रत्याशी संबित पात्रा भी नजर आए। संबित पात्रा के लिए इस चुनाव में पीएम मोदी का साथ बहुत जरूरी है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव यानी कि 2019 में संबित पात्रा चुनाव हार गए थे। उनको बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से हार का सामना करना पड़ा था। इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस के जया नारायण पटनायक और बीजेडी के अरूप पटनायक से है। पुरी की सीट बचाने के लिए बीजेपी हरेक कोशिश करना चाहती है। रोड शो के दौरान पीएम मोदी की एक झलक पाने के लिए सड़क के दोनों ओर हजारों लोग कतार में खड़े थे और मोदी के पोस्टर और पार्टी का झंडा लहरा रहे थे। रोड शो के बाद पीएम मोदी सीधे भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचे। यहां उन्होंने जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। पीएम ने ट्वीट कर कहा, पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ से प्रार्थना की, उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे और हमें प्रगति की नई ऊंचाइयों पर ले जाए। पीएम मोदी ने उड़ीसा के अंगुल में आयोजित रैली को संबोधित किया। पीएम ने कहा, बीजेडी शासन में पुरी में जगन्नाथ मंदिर सुरक्षित नहीं है। पिछले 6 साल से रत्न भंडार की चाबियां गायब हैं। पुरी में 25 मई को ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के साथ मतदान होगा। मोर नमस्कार जोहार। 6 साल हो गए, रत्न भंडार की चाबी खो गई है। इसके पीछे का बहुत बड़ा राज बीजेडी सरकार और मुख्यमंत्री को घेरा डाल करके जो लोगों ने कब्जा किया हुआ है ना, वो सीधे सीधे जिम्मेवार है। पीएम मोदी ने उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर की जिन चाबियों का जिक्र किया, उसकी पूरी कहानी भी जान लीजिए। दरअसल भगवान जगन्नाथ उड़ीसा में सबसे प्रतिष्ठित देवता हैं और जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार को लेकर उड़ीसा के लोगों में गहरी आस्था है। जगन्नाथ मंदिर के तहखाने में रत्न भंडार स्थित है। रत्न भंडार में सदियों से भक्तों और पूर्व राजाओं द्वारा दिए गए देवताओं भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के बहुमूल्य आभूषण रखे हुए हैं। आपको बता दें कि जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में
तहखानों में बड़ी संख्या में रत्न मौजूद हैं। तहखानों को आखिरी बार 14 जुलाई 1985 को खोला गया। 2018 में ओडिशा हाईकोर्ट ने खोलने के निर्देश दिए। चाबी के गुम हो जाने के कारण तहखाना नहीं खुला। जोतो कोगे जोहार। पीएम मोदी ने ओडिशा के साथ साथ झारखंड में भी प्रचार किया। उन्होंने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे सबको रायबरेली की सीट को लेकर बोल रहे हैं कि मेरी मम्मी की सीट है। कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पप्पा की स्कूल है, भले वो पप्पा वहाँ पढ़े हो। पीएम मोदी ने कहा कांग्रेस और झामुमो वालों को विकास का का खा गा घा भी नहीं मालूम है। लेकिन कांग्रेस वाले झामुमा वालों को इन सब से कोई मतलब ही नहीं है, इन्हें विकास का क ख ग ग भी मालूम नहीं है और इनका तरीका क्या है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है, गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी एसटी ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे, क्या इससे ज्यादा आगे ये सोच ही नहीं सकते क्या? यानी जहां पीएम मोदी ने जनसभा की वहां के स्थानीय मुद्दों को पीएम ने उठाया, चाहे फिर झारखंड में गरीबी का मुद्दा हो या फिर ओडिशा में भगवान जगन्नाथ के मंदिर की चाबियों का। पीएम मोदी के विपक्ष भले ही उनको कितना बुरा भला कह सकते हैं, लेकिन इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि रैलियां करने से पहले उनके होमवर्क और रिसर्च की बराबरी करना आसान नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। मध्य प्रदेश कांग्रेस अब आत्म अवलोकन के मोड पर आ गई है। 4 जून को चुनाव परिणाम आते ही कांग्रेस के नेता मंथन करेंगे। इसमें कांग्रेस के बड़े नेता ब्लॉक स्तर तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उनकी सुनेंगे और पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत करेंगे। पार्टी ने आज भोपाल में बैठक कर आने वाले दिनों का रोड मैप तैयार किया। बैठक की खास बात ये रही कि इस बैठक में कमलनाथ भी शामिल होने के लिए छिंदवाड़ा से आए। कांग्रेस का मंथन प्रोग्राम शुरू। 15 जून से मंथन पर बैठेंगे कांग्रेसी। मंथन से कैसे मिलेगी जीत, लोकसभा हार के डर से पहले जीत की तैयारी। देश में मोदी लहर है इस बात से कांग्रेस अनजान नहीं है। यही कारण है कि वो मान कर बैठे हैं कि इस चुनाव में जीतना मुश्किल है, इसलिए अब मंथन कर रहे हैं और आने वाले चुनाव की तैयारी में लग गए हैं। मध्य प्रदेश में लगातार पार्टी छोड़ते कांग्रेसियों के बाद अब सीनियर लीडर्स प्रदेश में कांग्रेस को बचाने में लग गए हैं, जिसके लिए कांग्रेस ने सोमवार को एक बड़ी बैठक भोपाल में रखी, जिसमें कमलनाथ, जीतू पटवारी समेत पार्टी के कई बड़े नेता शामिल हुए। बैठक शुरू तो इस मकसद से हुई थी कि इसमें काउंटिंग को लेकर बातचीत होगी, लेकिन ये बैठक पहुंच गई मंथन तक, यानी उस मंथन तक जिसमें ये जाना जा सके कि पार्टी हार क्यों रही है, कांग्रेस के लिए ये मंथन क्यों जरूरी है, वो सज्जन सिंह वर्मा के बयान से समझ सकते हैं, जिन्होंने अपनी ही पार्टी पर आरोप लगाते हुए कहा कि अगर समय पर भितरघातियों पर कार्रवाई होती तो हार नहीं होती, लेकिन पार्टी के अनुशासन समिति ने इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया ताकि लोकसभा चुनाव में पार्टी को नुकसान ना हो। डर के राजनीति नहीं होती है, बोल्ड डिसीजन लेना पड़ते हैं, कड़े निर्णय लेना पड़ते हैं, तब जाके पार्टी में अनुशासन लोगों में, एक ये तो लगता ना कि भाई पार्टी
कार्रवाई करती है। अभी तो लग रहा है कि पार्टी इस तरह के एलिमेंट पे कोई कार्रवाई करती नहीं, इसलिए खुली झूठ है। अब ये भी जान लीजिए कि टूटती कांग्रेस का अगला कदम क्या होगा, बैठक में क्या तय किया गया है, कांग्रेस की वो प्लानिंग विस्तार से जानिए। कांग्रेस 5 जून से अगले चुनाव की तैयारी करेगी। पार्टी को मजबूत करने के लिए मंथन कार्यक्रम होगा। पहले चरण का मंथन 15 जून पर शुरू होगा। 15 अगस्त तक मंथन का पहला चरण चलेगा। मंथन में सीनियर नेता ब्लॉक स्तर पर जाएंगे, कांग्रेस नेता कार्यकर्ताओं से जाकर मुलाकात करेंगे। पहले चरण के मंथन के बाद जिले स्तर पर बैठक की जाएगी। उसके बाद एक वर्कशॉप भी होगी जिसमें संगठन में क्या क्या बदलाव की जरूरत है वो तय किया जाएगा। कांग्रेस युवा महिलाओं को जोड़ने का काम करेगी, अगले 10 साल का रोड मैप तैयार करेगी। लेकिन इन सब तैयारियों के बीच कांग्रेस अब भी वो बात नहीं मान रही कि उनके नेता पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं। बस वो ये मान रहे हैं कि भीतरघाती ही पार्टी छोड़ रहे हैं, कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के सभी नेता एकजुट होकर उनने चुनाव लड़ा। किसी की कोई नाराजगी नहीं थी और जो कोई लोग इधर उधर खिलाफत करने वाले थे वो सब चले गए, कि भीतरघात जो करने वाले लोग हैं वो सब बाहर ही चले गए। जब ये सवाल जीतू पटवारी से पूछा गया तो उन्होंने बात पर पहले तो जवाब नहीं दिया, फिर घुमा फिरा कर कहा कि जो लोग पार्टी छोड़कर जा रहे हैं उनको बीजेपी के मंच पर कुर्सी मिल जाए, यही चाहते हैं। जो लोग ऐसे थे, भीतरघाती करते थे, अंदर से हराते थे, वो लोग बीजेपी में चले गए। और आज तक हमने चूंकि चुनाव चल रहे थे ये बात कभी नहीं कही, पर जैसा प्रभारी मोदी ने कहा धन्यवाद उनको, अब भगवान उनका सम्मान बचा रहे, हम कम से कम वो कुर्सी और चेयर पे बैठ जाए मंचों पे, ये हमारी उनसे संवेदनाएं भी है और उनके लिए एक तरह से भावना है हमारी। हमने आपको सुनाया था कि कांग्रेस के सज्जन सिंह वर्मा ने भीतरघातियों पर कार्रवाई ना होने की बात कही थी। यही सवाल जब जीतू पटवारी से पूछा गया तो उन्होंने कार्रवाई होने की बात कही। अनुशासन समिति ने कार्रवाई की थी, वो लिस्ट हमने जिनको पार्टी से बाहर किया वो आपके पास भेजी थी, तो भी ऐसे जिनकी शिकायतें मिली थी उनको लेकर भी पार्टी ने संबंधित शिकायतकर्ता से बातचीत करके 90% केसों को सॉल्व किया है। और रही बात फिर से अनुशासन अच्छा हो इसी के लिए तो स्ट्रेंथन है, जो मंथन है इसी के लिए प्रभारी महोदय ने भी आगे आप लोगों को एक तरह से हमारी पूरी भावना व्यक्त की है। वहीं अब कांग्रेस के मंथन और भीतरघातियों पर बीजेपी हमलावर है, तो ये उनका इशारा उनके नेतृत्व के प्रति है, उनका इशारा जीतू पटवारी जी की तरफ है, जीतू पटवारी जी दूसरों की तरफ बयान देते हैं, ये उनके आपस का मामला है। चलते चुनाव में कमलनाथ जी के भी बयान आए थे, वो भी जीतू पटवारी पर निशाना साध रहे थे, तो कांग्रेस का घमासान है। मैं बार बार कहता हूं कांग्रेस में घमासान जोरों पर है, भड़ास निकालने का समय उनका आया हुआ है, यही करने वाले पर एसी में बैठ के करेंगे, भले ही चुनाव देश भर में चल रहा हो। कांग्रेस भले ही मंथन कर रही हो लेकिन कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ केवल 20 मिनट ही रुके, 20 मिनट बाद वो बैठक छोड़कर चले गए। दिग्विजय सिंह बैठक में ऑनलाइन जुड़े, यानी जब पार्टी के बड़े नेताओं को कार्यकर्ताओं में विश्वास जगाने के लिए सामने आना चाहिए तब कांग्रेस के नेता मीटिंग से दूर भागते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। कांग्रेस को ये बात अब अच्छे समझ में आ गई है कि जब तक जमीन पर पार्टी को मजबूत नहीं किया जाएगा तब तक बीजेपी को हराना बहुत कठिन होगा। मध्य प्रदेश में वैसे भी कांग्रेस को नेताओं की पार्टी कहा जाता था, मगर लोकसभा चुनाव के दौरान जिस बड़े पैमाने पर पार्टी में बड़े नेताओं ने दल बदल कर बीजेपी को अपना ठिकाना बनाया है उससे कांग्रेस की बड़े नेताओं वाली पार्टी की छवि भी बिखर गई है। अब देखना यह है कि 2 महीने के मंथन से कांग्रेस के हिस्से में कितना अमृत और कितना विष आता है। और अब बात चलते चलते की। इस सेगमेंट में आज हम आपके लिए लाए हैं पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और जालंधर से कांग्रेस के उम्मीदवार चरणजीत सिंह चन्नी का एक दिलचस्प वीडियो। चन्नी को अपने प्रचार के साथ साथ अब जनता की फरमाइश पर भांगड़ा भी करना पड़ता है। चन्नी आज सुबह जब जिमखाना में वोट मांगने पहुंचे तो उनसे कहा गया कि पहले हमारे साथ डांस करिए, भांगड़ा करिए, फिर वोट की बात करेंगे। और आप देखिए किस खूबसूरती से चन्नी जी ने भांगड़ा भी किया।